अलवर कैम थाना अंतर्गत कार सवार युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने व दो आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पांच आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को गहन पूछताछ के लिए अदालत पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। सीआई इंचार्ज विश्व गौरव ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली कि न्यू कॉलोनी में गोला स्कूल के पास कार सवार पंचवटी कॉलोनी निवासी विकास का रास्ता रोककर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी रसूलपुर चौक के आसपास मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और दोनों आरोपियों को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अंजुम व अनिल निवासी शेखपुरा मोहल्ला बताया। गहन पूछताछ में बताया कि उन्होंने अपने 5 अन्य साथियों के साथ I-20 कार में सवार होकर विकास भारद्वाज की कार को गोलाय स्कूल के पास रुकवाया। कार में उस वक्त विकास व उसके दोस्त मौजूद थे। पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर विकास की छाती व पीठ पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। हमले के दौरान विकास गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसके दोस्त दीपक निवासी सैनी नगर को मामूली चोटें आई हैं। हमला करने के बाद सभी आरोपी अपने साथी सहित मौके से फरार हो गए। जिस संबंध में घायल विकास के पिता शिवराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था। फिलहाल आरोपी अंजुम व अनिल को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी अंजुम से वारदात में प्रयोग चाकू व अनिल से कब्जे में I-20 कार को बरामद कर उनके फरार साथियों के बारे में पता लगाया जाएगा। 28/6/2022 की बात है, गोला स्कूल के पास की बात है। इस संबंध में 29/6 को रात को ही एक दरख्वास्त दी गई। विकास है लड़का जो घायल हुआ है, उसके पिता ने शिवराम ने दरख्वास्त दी थी कि भाई कुछ लड़कों ने मेरे बेटे को की गाड़ी रुकवा कर और उसके साथ मारपीट भी की तथा उसे चाकू मारा। और इस संबंध में उन्होंने एक अंजुम नाम के शख्स का नाम लिया है और उसके साथ 6-7 अन्य थे। इसमें हमने कार्रवाई करते हुए जो एसपी साहब के आदेश के अनुसार जो अगली कार्रवाई हमारे पास आ चुकी थी, तो हमने इसमें अंजुम और एक अनिल को गिरफ्तार किया है। दोनों ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और इसमें अंजुम से चाकू रिकवरी करनी है और अनिल से एक गाड़ी I-20 रिकवरी करनी है, जिसके लिए हमने अब इनका रिमांड लेना है। सर, झगड़े की कोई वजह सामने आई? झगड़े की वजह अब तक पूछताछ में ये आई है कि पीछे भी इनकी आपस में कोई बहस हुई थी, जिसका यह परिणाम ये हुआ है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है इन दोनों की? हमने अभी रसूलपुर से गिरफ्तार किया है। पूरे झगड़े में कोई और भी घायल नहीं थी? हाँ, एक अन्य लड़का दीपक नाम का लड़का भी घायल है। 28/6/2022 की बात है, गोला स्कूल के पास की बात है। इस संबंध में 29/6 को रात को ही एक दरख्वास्त दी गई। विकास है लड़का जो घायल हुआ है, उसके पिता ने शिवराम ने दरख्वास्त दी थी कि भाई कुछ लड़कों ने मेरे बेटे को की गाड़ी रुकवा कर और उसके साथ मारपीट भी की तथा उसे चाकू मारा। और इस संबंध में उन्होंने एक अंजुम नाम के शख्स का नाम लिया है और उसके साथ 6-7 अन्य थे। इसमें हमने कार्रवाई करते हुए जो एसपी साहब के आदेश के अनुसार जो अगली कार्रवाई हमारे पास आ चुकी थी, तो हमने इसमें अंजुम और एक अनिल को गिरफ्तार किया है। दोनों ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और इसमें अंजुम से चाकू रिकवरी करनी है और अनिल से एक गाड़ी I-20 रिकवरी करनी है, जिसके लिए हमने अब इनका रिमांड लेना है। सर, झगड़े की कोई वजह सामने आई? झगड़े की वजह अब तक पूछताछ में ये आई है कि पीछे भी इनकी आपस में कोई बहस हुई थी, जिसका यह परिणाम ये हुआ है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? इन दोनों की हमने अभी रसूलपुर से गिरफ्तार किया है। पूरे झगड़े में कोई और भी घायल नहीं थी? हाँ, एक इसमें एक अन्य लड़का दीपक नाम का लड़का भी घायल है।